हेलो गाइज, मैं हूँ हार्दिक पांचाल। और भाई अभी आप देख रहे हो मॉन्स्टर जैसी बाइक, पता है कौन सी है ये? नहीं पहचान पा रहे होगे भाई, मैं बताता हूँ। ये है भाई अपनी यामाहा की MT-15। भाई क्या तगड़ी सी लुक निकल के आ रही है यार इसके अंदर। तो भाइयों ये कुछ अपने को पूरी की पूरी फ्रंट से लुक मिलती है जिसके अंदर मॉन्स्टर जैसी लुक निकल के आ रही है। भाई इसके अंदर बिल्कुल पतली पतली सी लाइटें दे रखी है LED के अंदर, ये DRL दे रखी है ये भी, और ये अपना प्रोजेक्टर हेडलैम्प दे रखा है जो कि सिंगल लाइट के साथ आ रहा है। पर लेकिन भाई रात के टाइम में ना इसका भी काफी अच्छा थ्रो निकल के आ जाएगा। और ये आप फ्लैशर वगैरह देख रहे हो भाई ने, इंडिकेटर आफ्टर मार्केट चेंज करा रखे हैं, नहीं तो नॉर्मल इंडिकेटर आते हैं इसके अंदर। यहाँ पर एक वाइजर और इंक्लूड कर देते हैं ना तो भाई और तगड़ी सी लुक निकल के आती बाइक की और मजा आ जाता देखने में। उसका नीचे की साइड देखते हो भाई सिल्वर टचेस, मतलब सिल्वर सा मरकार दे रखा है, ABS EBD वगैरह सारी चीजें मिल जाती है अपने को। और ये जो गोल्डन गोल्डन है इसके सस्पेंशन, भाई ये तो बिल्कुल कलर कॉम्बिनेशन को तगड़ा बना रहा है। उसके बाद नीचे की साइड देखोगे तो टायर साइज भी अपने को मिल जाएगा इसके अंदर 17 इंच का इसके अंदर टायर साइज मिल जाएगा, एलॉय व्हील ऑरेंज कलर का, जो कि कलर कॉम्बिनेशन बनाने के लिए बना रखा है। और भाई अगर साइड प्रोफाइल में आते हैं ना तो ये पूरी की पूरी अपने को साइड प्रोफाइल मिल जाती है देखने के लिए भाई, जिसके अंदर 155 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है, काफी सही है भाई, जल्दी से बाइक टिकती नहीं है। और उसके बाद ब्रेक लीवर देखो कि कैसा गियर की तरह दे रखा है, नहीं तो नॉर्मल यहाँ पे थोड़ा चौड़ी सी पट्टी होती है पर इसमें थोड़ा पतला सा दे रखा है। और उसके बाद भाई जो गार्ड वगैरह देख रहे हो ना, लेग गार्ड, ये फिर एसेसरीज का पार्ट होता है, कंपनी वाले नहीं देते। और ये मुड़ भी गया है, इससे पता भाई सेफ्टी होती है। जैसे अभी ना एक बंदे की जिसकी बाइक है वो गिर गया था, थोड़ा मतलब एक्सीडेंट टाइप हो गया था, तो इसने काफी ज्यादा सेफ्टी प्रोवाइड करी और यहाँ पे स्क्रैच वगैरह लगने से बचा लिया। उसके बाद साइलेंसर देखते हो तो पूरा इस टाइप का, एक बार इसकी आवाज सुना दो आपको सबसे पहले ना स्टार्ट करके, मैं एक बार इसको स्टार्ट करते हैं तो ये देखो भाई आवाज सुनना बाइक की आप। तो ये भाई पूरा का पूरा सिस्टम है इसके अंदर। आवाज मतलब एग्जॉस्ट लगवा लेना तो भाई और तगड़ी आवाज निकल के आएगी। उसके बाद सीटिंग पोजीशन ना मेरे को भाई थोड़ा अजीब सा लगा इसका, पीछे वाले पैसेंजर के लिए बहुत छोटी सी रखी, आगे वाले के लिए तो फिर भी ठीक है, और पीछे वाला बैठना सर तब पलट ही जाएगा। उसके बाद पीछे की साइड आ जाते हैं, मडगार्ड काफी लंबा है भाई इसका, जो रियर वाला है ना पूरा यहाँ से स्टार्ट होता है यहाँ तक खत्म होता है, ये अपना कीचड़ वगैरह से लगने के लिए बचा रखा है, 17 इंच का अलॉय व्हील है। तो भाई ये पीछे से लुक आ जाती है, और इसके अंदर ना पीछे भी LED टेल लैंप दे रखे हैं, जैसे कि हम चाबी ऑन करते हैं ना तो यहाँ से ये पूरे के पूरे ऑन हो जाते हैं। फ्लैशर भी लगवा रखा है इनके अंदर, जैसे बताया ना मैंने आपको करोल बाग से काम करवा रखा है इंडिकेटर वगैरह में, लाइट वगैरह में, तो ये उसी के अंदर है रिफ्लेक्टर इस टाइप का, नंबर प्लेट के लिए स्पेस है देखो, इस टाइप के चमकते हैं पूरे के पूरे। तो भाई अब जो मेन बारी आती है ना वो आती है इसके स्पीडोमीटर की, तो चलो भाई अब लेके चलता हूँ आपको मेन इसके स्पीडोमीटर की तरफ। अभी तो भाई आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, पर लेकिन जब हम इसकी की ऑन करेंगे ना भाई यहाँ पर लिख के आएगा हाई बडी, तो चलो आपको दिखाता हूँ। ये देखो भाई हाई बडी, और भाई ये अलग ही कॉन्फिडेंस देती है राइडर को ना कि तुम एक हैवी सी बाइक चला रहे हो 2 लाख रुपए की तगड़ी सी भागने वाली है ना। ये देखो उसके बाद पूरा का पूरा सिस्टम मिलता है, यहाँ पे अपने गियर बताता है कौन से गियर में कौन से में नहीं, जैसे कि अभी फर्स्ट गियर डाल दूंगा तो यहाँ पर फर्स्ट दिखाएगा, सेकंड डाल दूंगा सेकंड डलेगा नहीं क्योंकि स्टार्ट में डलता है। यहाँ पर अपनी डिजिटल स्पीडोमीटर, पेट्रोल के पॉइंट्स, RPM मीटर और कितने किलोमीटर चल जाती है चल रही है उस टाइप के। पर लेकिन भाई जो इसके अंदर इंजन दे रखा है ना अपने को 155 cc वाला, वो नॉर्मली अपना FZ के अंदर भी देते हैं, यामा वाले फेजर आती है उसके अंदर भी देते हैं, तो इंजन में मतलब चलाने में आपको कोई इतना ज्यादा कुछ खास मजा नहीं आएगा, पर लुक के मामले में अगर कहोगे ना तो भाई ड्यूक को फेल कर देगी। और अगर भाई इंजन की बात करते हैं ना 155 cc का इंजन मिलता है जो कि अपनी 18 BHP निकालता है और 14 Nm के आसपास टॉर्क प्रोड्यूस करती है, और भाई ग्राउंड क्लियरेंस 155 mm की आपको बता ही दिया। इसकी कंपटीशन में भाई बाइक आती है अपनी R5 आती है ना, उसके अंदर भी सेम इंजन मिलता है आपको 155 cc का, क्योंकि यार इनको पता है क्या थोड़ा इंजन बढ़ाना चाहिए, लुक तो ये सबकी चेंज कर रहे हैं, R5 हो गई, FZ हो गई या फिर ये हो गई, पर लेकिन इंजन सेम रख रहे हैं, इंजन में थोड़ी सी पावर वगैरह बढ़ा देते हैं बस नॉर्मली है ना, जैसे कि R5 के अंदर 200 का दे दे, इसके अंदर 200 cc का कर दे, तो भाई बाइक का कोई तोड़ नहीं रहेगा फिर उसके बाद ना, एक तो चलाने में मजा आ जाएगा, ऊपर से लुक तो भाई क्या तगड़ी सी निकल के आती है इसके अंदर है ना। और भाई अगर प्राइसिंग बात करते हैं 2 लाख रुपए आज के टाइम में ठीक है बाइक के हिसाब से, क्योंकि नॉर्मल स्प्लेंडर वगैरह पे अपनी 80-85 हज़ार की आ रही है, तो इस स्पोर्ट्स बाइक के लिए तो 2 लाख रुपए काफी बढ़िया है। तो भाई अब आ गए हम हाईवे पे, अब इसकी ना थोड़ी सी स्पीड वगैरह देखेंगे किस टाइप से भागती है बाइक। अब चलते हैं भाई मेन लेके इसको थोड़ा हाईवे पे, तो ये देख लो भाई फर्स्ट गियर में जाती है बाइक वही 20 के आसपास, मतलब 40-30 तक जाएगी, सेकंड में 30 तक जा रही है भाई 50 की स्पीड पे, स्टेबिलिटी काफी सही लग रही है देखने में इसकी। भाई 5 गियर है ना, 6 गियर में देखो मैंने 60 में डाल दी और ऐसा लग रहा है बाइक बिल्कुल स्मूथ से चल रही है, कोई भी इसके अंदर वैसा नहीं लग रहा झटका वटका आने वाला, बिल्कुल 55 की स्पीड पे है और अपना 6th गियर में बाइक है और भाई काफी सही चल रही है देखने में।
जैसा कि स्टेबिलिटी के मामले में बताऊं, स्टेबिलिटी में एक होता है ना कि बाइक हिलने लग जाती है ऐसे ऐसे, भाई बिल्कुल स्मूथ चल रही है, कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है कि हिलने विलने वाली दिक्कत लग रही हो। और सिक्स गियर का ये फायदा होता है, देखो सिक्स गियर में ना अभी मैं गियर छोड़ूंगा, तीस में भाई बिल्कुल स्मूथ चल रही है। जैसा कि वो होता है ना कि एक तो थोड़ी वाइब्रेशन आती है, ऐसा कुछ नहीं, अभी देखो गियर डाउन मारा मेरे को थोड़ी स्पीड बढ़ानी है, थर्ड गियर में जाती है एक्सीलेटर दूंगा भागने लग जाइए एकदम से, ये देखो भाई। और भाई अभी ना थोड़ी नई बाइक है तो इसलिए ज्यादा खुली नहीं है, मात्र 353 किलोमीटर चली है बाइक, तो इसलिए आपको थोड़ा सा जब बाइक खुल जाती है ना तो उसका पावर और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। अभी इसकी सर्विस भी नहीं हुई, फर्स्ट सर्विस जो होती है ना, सर्विस के बाद असली बाइक खुलती है। तो भाई एक्स शोरूम प्राइस है इसका 1,65,000 रुपए, और कहीं जाके 1,95,000 के आसपास ऑन रोड प्राइस पड़ता है इसका, 2,00,000 रुपए के आसपास। तो भाई 2,00,000 की बाइक, और ये ना थोड़ा स्पेशल एडिशन दे रखा है इसके अंदर, जो कि आप देख रहे हो व्हाइट और इसमें ऑरेंज वगैरह के टचेस वगैरह दे रखे हैं, तो ये थोड़ा सा ना स्पेशल एडिशन है। और भाई फ्यूल टैंक वगैरह माइलेज वगैरह की बात करोगे वो भी आपको काफी अच्छी मिलने वाली है इसके अंदर। 56 के एमपीएल की कंपनी क्लेम करती है, जिसके अंदर 10 लीटर का अपने को फ्यूल टैंक मिल जाता है ना। और टॉप स्पीड वगैरह इसकी 150 तो आराम से पहुंची जानी है, इतनी तो यार टॉप स्पीड है, मजा आता है। मतलब 6 गियर होते हैं ना तो अलग ही वो मिलती है आपको पावर वगैरह, क्योंकि एक तो साइलेंट रहती है बाइक ज्यादातर और मजा आता है चलाने में। तो भाई यही थी मेरी छोटी सी वीडियो, अगर आपको पसंद है लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।